सर्दी का मौसम चल रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे कि मालिश कैसे करे, क्या करे, कौन कौन सा प्रिकॉशन ले और किस तरह से मसाज करनी चाहिए। तो फिर आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ, इसलिए अंत तक देखिएगा जरूर, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अंत में टिप भी दूंगी आपको किस तरह से आपको मसाज करना है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब तक बच्चे को अम्बिलिकल जो कॉर्ड है वो नहीं निकल जाए तब तक मालिश नहीं करनी है बच्चे की, उसके बाद से शुरू करनी है मालिश। अगर आप उससे पहले ही करेंगे तो उसका कुछ हिल जाता है या फिर कुछ वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड जो है निकलने के बाद ही आपको मसाज करनी है बच्चे की। दूसरी चीज, अभी सर्दियां चल रही है तो फिर बच्चे की जो मालिश है हल्के गुनगुने तेल से ही करनी है। गुनगुना तेल कैसे करे चले जानते हैं। सबसे पहले एक कटोरे में गर्म पानी कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे छोटे कटोरे में या फिर उसके साइज का जो कटोरा होता है उसके ऊपर रख दीजिए और उसके अंदर तेल डाल दीजिए। जब तक पानी गर्म रहेगा आपका भी तेल हल्का गुनगुना रहेगा। पहले आपको चेक कर लेना है कि जो तेल है वो ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया है। अगर नॉर्मल गर्म है ना तो फिर अपने हाथ पे इस तरह से रब कीजिए अपने हाथ पे, फिर बच्चे की जो मालिश है वो शुरू कर दीजिएगा। नंबर थ्री, कभी भी बच्चे की मालिश ना जैसे बच्चा फीड कर ले या फिर बच्चे ने खा लिया है उसके बाद नहीं करना है, आपको एक घंटे बाद करना है। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने मालिश किया और बच्चे ने उल्टी कर दिया, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप मालिश करते हैं ना तो फिर उसका जो पेट है वो दबता है जिसकी वजह से वो बाहर सब सारी चीजें निकल आती है। नंबर फोर, क्या मालिश रोज करनी चाहिए? यस फ्रेंड्स, रोज करनी चाहिए। इससे बच्चे की जो हेल्थ डेवलपमेंट में अच्छा होता है, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, प्लस इससे बोन डेवलपमेंट होता है, स्किन अच्छी रहती है, जो बच्चे के जो माइलस्टोन्स है वो जल्दी कवर होते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा बच्चे को गैस की जो तकलीफ होती है वो नहीं होती है, क्योंकि आप मसाज कर रहे थे तो पेट की मालिश होने के साथ साथ बच्चे गैस पास भी कर रहे थे, जो पेट कड़क हो जाता है मालिश करने से बहुत अच्छा राहत होता है। इस वजह से बच्चे की जो मालिश है डेली बेसिस पे करनी चाहिए, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। अब वह नहाना जो है स्किप कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर बात होती है वो नहीं देना है तो वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा ठंडी पड़ रही है इस वजह से। पर है ना, आप क्या कर रही है कि मालिश करने के आधे घंटे के बाद बच्चे को स्पॉन्ज बाथ दे दीजिए। बच्चे मतलब हल्का गुनगुना पानी में आप डेटॉल डाल दीजिए और उसके बाद बच्चे को पोंछ लीजिए अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद अच्छे से कपड़े पहना के उसे सुला दीजिए। जब आप मसाज करते हो ना तो फिर आपका जो रूम का रूम जो है वहां पर दरवाजे जो है बंद रखिए, खिड़कियां बंद रखिए, क्योंकि जो हवा बाहर से आती है वो ठंडी ठंडी हवा बच्चे को लग सकती है और बच्चे को सर्दी खांसी हो सकती है। पंखा बंद करके रखिए। अगर आपके घर में हीटर है तो हीटर भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी पे कीजिएगा, बच्चे के पास नहीं कीजिएगा। तो फिर उस टाइम पे आप मसाज कर दीजिएगा। और पॉइंट नंबर सिक्स, आपको है ना अपने जो नेल्स जो है वो कट रखने हैं जब आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं। उससे क्या होएगा कि अगर आपके नेल्स बड़े बड़े रहेंगे ना तो फिर बच्चे को कट कहीं भी क्रैश आ सकता है, लग सकता है, खून आ सकता है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो नेल्स का ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट जो आपको करना चाहिए कि बच्चे को कौन सा तेल सूट होगा वो कैसे पता चले, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप तेल लेके आते हो ना बच्चे की इस वाले पार्ट पे या फिर पैर के इस वाले पार्ट पे जो तेल है वो लगा लीजिए और छोड़ दीजिए। अगर बच्चे को उस वहां पर ना रैशेज आ रहे हैं, ना लाल हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो तेल बच्चे के लिए सूट कर रहा है। दूसरी चीज, अगर ठंडियों के मौसम में आप बादाम का तेल, जैतून का तेल या फिर राई का तेल या फिर डाबर लाल तेल से मालिश कर सकते हो, और गर्मियों के मौसम में कोकोनट ऑयल से मालिश करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव से शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रिया फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखा है, धन्यवाद।